जय राजस्थान जय भारत, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों कहते हैं कि वो जो संघर्ष की राहों पे चल के नई इबारत लिखते हैं, उनसे जाने सफर था कैसा, आओ उनसे मिलते हैं। हम समय समय पर कृषि दर्शन के माध्यम से आपकी मुलाकात करवाते हैं उन प्रगतिशील नवाचारी मेहनती किसानों से, जिन्होंने खेती बाड़ी में नवाचारों को अपनाकर ना सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। आज हम कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी महिला नवाचारी प्रगतिशील सफल किसान से, जिन्होंने खेती बाड़ी में लीक से हटकर खेती तो की ही है बल्कि साथ ही साथ वो बनी है दूसरों के लिए प्रेरणा भी। ये हमारी महिला सफल किसान हैं ग्राम आमलदा जिला शाहपुरा की अनु कर्णावत, जिन्होंने मशरूम की खेती करके सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, सफलता की नई राहें खोली हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनी है। किस तरीके से अधिक आमदनी का जरिया हो सकता है मशरूम की उन्नत खेती और किस तरीके से अनु कर्णावत ने इसे अपनाकर अपने लिए सफलता की नई राहें खोजी, आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। किसानों को संपन्न किए बिना समृद्ध भारत की संकल्पना अधूरी है। यदि हम यूं कहें कि महिला किसानों की संपन्नता सुखद भारत की तस्वीर को दर्शाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। आज की महिलाएं खेती किसानी में नए आयाम छू रही हैं। महिला सशक्तिकरण का दौर है तो ऐसे में महिलाएं कृषि में भी अब पीछे क्यों रही हैं? हमारे देश की कई ऐसी महिला किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी में नवाचार करते हुए ऐसे अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्हें देखने के लिए हर कोई आता है और जिनकी हर कोई सराहना करता है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रगतिशील महिला किसान की सफलता की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अनु कर्णावत। अनु कर्णावत राजस्थान के शाहपुरा जिले की आमलदा गांव की एक ऐसी प्रगतिशील महिला किसान है जिन्होंने खेती किसानी में कुछ लीक से हटकर सोचा और न केवल सोचा अपितु उसमें कई प्रकार के नवाचार करते हुए उपलब्धियों का सफर तय किया। ये वो छोटा सा गांव है जो अपनी ऐतिहासिकता के साथ और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पूरे जिले में अपना एक अहम स्थान रखता है। इस गांव से निकलकर अनु कर्णावत ने आज वो मुकाम हासिल किया जिसकी सराहना आज पूरे देश में की जा रही है। अनु कर्णावत ने खुद के स्तर पर ही खेती किसानी में कुछ अलग सोचा, अर्थात मशरूम की खेती के बारे में सोचा और देखते ही देखते वे मशरूम की खेती की एक सफल किसान बनती गई। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है और हमारे यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। और तो मैंने जब मैंने समझना स्टार्ट किया और जब फार्मर्स की लाइफ देखी तो मुझे लगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है और मैं कैसे फार्मर्स की लाइफ को अच्छा कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए पेरेंट्स को बोला और जब मैंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, पढ़ाई स्टार्ट की, तब मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था कि इतनी लैंड होते हुए भी राजस्थान के अंदर फार्मर क्यों गरीब है। लगातार नए शोध और अनुसंधान कार्यों के साथ कृषि में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। सबसे ज़्यादा जो फार्मर की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मार्केट की, तो उसको सोल्व करने के लिए मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया गुजरात में जाके। और पहले मैंने बीएससी ऑनर्स की उदयपुर से, उसके बाद मतलब स्टार्टिंग से जो स्टडी की है मैंने एग्रीकल्चर के अंदर ही की है, कृषि के अंदर। फिर मैंने कुछ टाइम तक टीचिंग के अंदर काम किया तो वहाँ मैं कुछ बच्चों को लेकर जब हिमाचल गई
तो हिमाचल में वहाँ पर जब मशरूम कल्टीवेशन का डीएमआर सोलन के अंदर मैंने जब सीखा, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मशरूम की है, और ये जो न्यूट्रिशन है बहुत अच्छा रहता है महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए भी। तो इसके लिए, और फिर उसके बाद बहुत टाइप की मशरूम होती है, लगभग 50 तरीके की मशरूम होती है, बट मैंने ये डिसाइड किया कि जो मशरूम राजस्थान के अंदर इजी से ग्रो हो पाए उसी को मुझे लेना है, ताकि जो वुमन एम्पावरमेंट है उनको हम बढ़ावा दे सकें। जो महिलाएं मेरी तरह जो बाहर नहीं निकल पा रही थी पहले, या फिर जिनके रेस्ट्रिक्शन है घर से बाहर जाने के लिए, वो घर में अपना काम चालू कर सकती है, घर में अपना काम स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि इसके लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर के अंदर ही एक छोटे से रूम के अंदर ये मशरूम स्टार्ट कर सकते हैं। कृषि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनु कानावत ने अपने खेती किसानी के सफर को एक किसान से उद्यमी की तरफ मोड़ दिया। अपने जीवन का एक ऐसा रुख इख्तियार कर लिया जिसे हम कृषि उद्यमी कहते हैं। और आज देखते ही देखते न केवल राजस्थान की बल्कि देश की एक सफल मशरूम उद्यमी बनकर हम सभी के सामने आ पहुंची है अनु कानावत। अनु कानावत मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी देती हैं और साथ ही कई महिलाओं को मशरूम की खेती से जोड़ती जा रही हैं। आज हजारों की संख्या में महिलाओं ने अनु कानावत से मशरूम की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और आज ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। अनु कानावत को मशरूम की खेती के उत्पादन के लिए ढेरों सम्मान मिले, न केवल राज्य स्तर पर वरन राष्ट्रीय स्तर पर भी अनु कानावत को एक पहचान मिली और ढेरों राष्ट्रीय सम्मान इनकी झोली में आए। इन्होंने एक एफपीओ बनाया जिसका नाम है आमलदा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। शाहपुरा जिले के आमलदा गांव की रहने वाली अनु कानावत ने महिला सशक्तिकरण की एक अनुपम मिसाल स्थापित की है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अनु कानावत को कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार आगे बढ़ती रही अपने मिशन की तरफ। मशरूम की खेती आज एक लाभकारी खेती का सौदा बनती जा रही है। परंपरागत खेती के स्थान पर अनु कानावत ने यह साबित कर दिया कि मशरूम की खेती का रास्ता सुलभ है, लेकिन यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है। खेती जैसे फार्मर करते हैं, तो उसी तरीके से मैंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और नॉर्मल तरीके से इसको लगाना शुरू किया, और मैंने बहुत सारे गांवों में अलग अलग जगह जब डेमो लगाए तो आराम से ये ग्रो होने लगी। जैसा कि इस टेम्परेचर पर आप अभी देख भी पा रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रही है। तो इसकी फार्मिंग जब मैंने स्टार्ट की और जब महिलाओं को जोड़ना स्टार्ट किया, तो फिर उनको भी लगा कि वास्तव में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब मैंने महिलाओं को जोड़ना स्टार्ट किया तो नेशनल लेवल पर पहचान बनी इस मशरूम की, और लोगों को लगा कि राजस्थान में भी मशरूम हो सकता है। पहले लोगों को लगता था कि राजस्थान में मशरूम नहीं हो सकता क्योंकि राजस्थान ड्राई एरिया है, बट यहाँ पर मॉइस्चर ठीक है तो मशरूम हो सकता है, और मशरूम के साथ साथ महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और फिर जब नेशनल लेवल पे इसकी डिमांड बढ़ी तो अब फॉरेन के अंदर भी हमारे आमलदा की जो मशरूम है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए भी हम आगे काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार देने के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं और ट्रेनिंग मॉड्यूल अपना रहे हैं। इनका मशरूम का अनुसंधान केंद्र आज वाकई एक बड़ी प्रयोगशाला से कम नहीं है। इनका मकसद केवल लाभ कमाना नहीं था, अपितु भारतीय किसानों और विशेषकर महिला किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना था, और इसी उद्देश्य को लेकर लगातार अपने मिशन में लगी रही। अनु कानावत एक प्रेरक शख्सियत के रूप में आज पहचानी जाती है। इनकी उद्यमशीलता और इनके जज्बे को सलाम करते हैं।
इन्होंने वाकई महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आमलदा शाहपुरा के साथ ही साथ जयपुर के जगतपुरा में भी अनु कनावत की एक मशरूम की इकाई कार्य कर रही है। मशरूम की खेती में अग्रसर अनु कनावत की सफलता पर हमने बात की शाहपुरा जिले के कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत से। अनु जो कनावत जी हैं, इन्होंने काफ़ी एक इस सेक्टर में काम किया, मशरूम के सेक्टर में। तो फिर मैंने इनसे बात की और इनको बुलाया, और जो कुछ मैंने जाना और समझा वास्तव में एक जीवंत उदाहरण है कि किस तरह से आदमी यदि प्रयास करे तो आगे बढ़ सकता है। ये जयपुर गए, जयपुर में इन्होंने प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर को पढ़ाया, और साथ ही बाहर जाने का मौका मिला सोलन वगैरह बच्चों के साथ। तब देखा कि किस प्रकार से मशरूम की खेती का जो ट्रेडिशनल मेथड है कि ये सिर्फ अच्छा टेम्परेचर हो जिसमें गर्मी ज़्यादा नहीं हो वहीं हो सकती है, इसको देखा कि ये यहाँ भी पैदा हो सकती है, गर्मी में भी पैदा हो सकती है। और आज इन्होंने मशरूम की खेती में नए प्रयोग किए हैं और अपने पेटेंट भी कराए हैं। इन्होंने मशरूम से डायबिटीज़ वगैरह दूर करने की दवाइयाँ बनाई हैं, इसके अलावा कैल्शियम प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर है, बटन मशरूम ये पैदा कर रही हैं। इसके अलावा मशरूम में और भी कई इन्वेंशंस ये इन्होंने किए हैं इस प्रकार के अलग अलग। तो देखा जाए तो एक प्रकार से महिलाओं के लिए एक मिसाल के रूप में इन्होंने अपने आप को पेश किया है, जिनको सब ने अप्रिशिएट भी किया है। इवन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव जो हुआ था उसमें भी इनके प्रयासों को सराहा गया है, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से काम कर रही हैं ये कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी अपना नाम दर्ज कराएंगी और पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए एक प्रकार से इंस्पिरेशन के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में काम करेंगी। किसान भाइयों, इस महिला सशक्तिकरण के युग में महिलाओं का अब खेती किसानी में भी आगे आना बेहद अनिवार्य है। कुछ महिला किसान वाकई बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं और आज वो अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। अनु कनावत भी राजस्थान की एक ऐसी ही महिला है जिनके कार्यों से निश्चित रूप से हमारे देश के कई अन्य महिला किसान प्रेरित होंगी। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिलाएं खेती किसानी में आएंगी तो निश्चित रूप से हमारी खेती की तस्वीर सुखद, समृद्ध और संपन्न होगी। अनु कनावत के लिए बस इतना ही कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप भी सफलता के झंडे जरूर गाड़ेंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का हो रहा है समय, तो हम यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा, नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हल, जय हल धर।